अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर स्विच जो सामने आ रही है आपको बता दें। तो भोपाल से बड़ी खबर जो स्विच सामने आ रही है, शिवराज कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिवराज कैबिनेट की बैठक जो है समाप्त हो गई है। बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला इस बैठक में लिया गया है और 20,500 करोड़ की सब्सिडी का फैसला यहां पर सरकार की ओर से लिया गया है। आपका राशन आपके द्वारा ही होगी शुरुआत। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ लगातार बरकरार है, उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, जिस तरीके से यहाँ पर शिवराज कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है, क्या कुछ अहम फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पे कह सकते हैं कि आज बेहद ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में। इसमें अलग अलग श्रेणी के हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए सस्ते बिजली के लिए जो है 1500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देकर सरकार ने दी है। इसके साथ ही किसान भाइयों को सस्ती बिजली पहुंचाने को लेकर भी सरकार ने विचार विमर्श किया है। मध्यप्रदेश में कोई कष्ट ना हो, घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगभग 4,900 करोड़ हम देते आए हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो आदिवासी वर्ग सहित जो बिजली में सब्सिडी देने की बात सरकार कहती हुई नजर आ रही थी, आज उस पर विचार मंथन हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने कैबिनेट में ये भी फैसला लिया है, सर्वे करने के दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश हुई और धान की जो फसल बर्बाद हुई किसानों की, इसको लेकर भी जो है आज की चर्चा की गई। जी कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है सीएम शिवराज से जुड़ी हुई। सीएम शिवराज ने किसानों को भरोसा दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, फसल नुकसान का सर्वे और उसकी भरपाई होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, और बेमौसम हुई बारिश से जो फसलें खराब हुई हैं उनका सर्वे होगा और उसके बाद उन सर्वे के बाद उस फसलों की भरपाई होगी। सीएम शिवराज ने किसानों को आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है, सर्वे के बाद नुकसान की भरपाई होगी, सीएम शिवराज ने बात कही है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं यहाँ पर किसानों के हित में ये फैसला सीएम शिवराज का, और जानकारी खुद सीएम शिवराज ने दी है। असमय वर्षा के कारण प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, तो वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले इसके लिए भी प्रबंध है, वो सब किए जाएंगे। कष्ट है लेकिन सरकार साथ है, मैं साथ हूँ, आप चिंता ना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।